ड्राई स्किन पे मेकअप कैसे करना होता है, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और कैसे मेकअप करना है, जो कि बहुत स्किन लाइक लगने वाला है। सो गाइस, चाहे आप ऑयली स्किन पे मेकअप कर रहे हो या फिर किसी भी स्किन टाइप पे मेकअप करते हो ना, आपको सीटीएम जरूर करना होता है। तो सीटीएम का फर्स्ट स्टेप होता है सी, जिसमें आपको अपने पूरे फेस को क्लीन करना होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है, या तो मैं फेस वॉश यूज कर सकती हूँ या फिर मैं यहाँ पे एक अच्छा सा वेट वाइप यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे जो है मैं सिर्फ ब्यूटी के वेट वाइप यूज कर रही हूँ। तो इस ब्यूटी की वेट वाइप्स का ये है यार कि ना ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते, एलोवेरा है तो आप वो बेबी वाइप्स होते हैं वो यूज नहीं करने होते। मैंने अपना वेट वाइप लिया, इस वेट वाइप को मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे करके डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना होता, आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना होगा, अपनी थ्री फिंगर्स लेके इस तरीके से आपको उसको होल्ड करना होता है। होल्ड करने के बाद आपको सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे जितना भी डर्ट है वो सब रिमूव करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है ना, तो मैं कहूंगी कि आप लोग वेट वाइप ना यूज करके आप एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करो, क्योंकि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो कई बार क्या होता है, जो वेट वाइप्स होते हैं ना उससे आपकी स्किन और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, अब मैंने पूरा फेस क्लीन कर लिया है, लेकिन अपने पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे एक सेटिंग स्प्रे यूज करती हूँ। यहाँ पे मैं मैक का फिक्स प्रेप प्लस प्राइम यूज कर रही हूँ। आप स्विस ब्यूटी का भी यूज कर सकते हो, फॉरएवर 52 का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपने टोनों को ऐसे शेक करना होता है, एंड देन आईज क्लोज करके थोड़ा सा डिस्टेंस में आपको इसको पूरे फेस पे स्प्रे मारना है। अगर ये खुद से ड्राई हो जाए तो ज्यादा बेस्ट होता है, आप जबरदस्ती फैन लेके इसको मत किया करो, इसको खुद से अब्सॉर्ब हो जाने दिया करो। सो गाइस, किसी भी मेकअप का जो मेन स्टेप होता है ना, जिसकी वजह से मेकअप कई लोग कहते हैं कि ड्राई हो रहा है, केकी हो रहा है या फिर ग्रे पड़ रहा है, कि आप मॉइस्चराइजर या तो एक्सेस लगा रहे हो या फिर कम लगा रहे हो या फिर अपने स्किन टाइप से नहीं लगा रहे हो। अब जैसे आज हम ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं, ड्राई स्किन को एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना होता है जो उनकी स्किन को काफी देर तक हाइड्रेट करे। तो यहाँ पे जो है मैं यूज करने वाली हूँ एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर। ये काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसको हम अपने ऊपर भी यूज कर सकते हैं, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो अपने क्लाइंट के ऊपर भी यूज कर सकते हो, इससे ना आपको काफी देर तक हाइड्रेशन मिले। सो गाइस, इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी स्किन काफी हद तक हाइड्रेटेड हो चुकी है। इनकेस आपको इस पॉइंट पे लगता है कि यार मेरा जो मॉइस्चराइजर है वो ज्यादा हो गया है, 2 मिनट उसको अब्सॉर्ब होने दो। जैसे मैंने 2 मिनट तक उसको अब्सॉर्ब होने दिया, उसके बाद मैं इसे टच करके देखती हूँ क्या मेरा जो मॉइस्चराइजर बहुत एक्सेस है, तो मेरे हाथ पे ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि पूरे हाथ पे ज्यादा ही ऑयल आ गया है, मॉइस्चराइजर पूरा ही बाहर निकल के आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सेस है, उसको आपने एक टिश्यू पेपर से थोड़ा सा हटाना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ड्राई टिश्यू लिया, अपने पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई करूंगी रख के, और हल्का हल्का सा डैप करूंगी, जो भी एक्सेस रहेगा वो हट जाएगा। मेरे केस में नहीं आ रहा क्योंकि मेरा एक्सेस नहीं है। कई लोग यहाँ पे सनस्क्रीन लगाना प्रेफर करते हैं, मैं नहीं करती क्योंकि मेरे फाउंडेशन में ऑलरेडी सनस्क्रीन है। तो सनस्क्रीन का जो स्टेप है उसको मैं स्किप करके हमेशा प्राइमर लगाती हूँ। अगर आप प्राइमर नहीं लगाते हो तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा, आपके पोर्स बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं। यहाँ पे मैं प्रोफेशनल प्राइमर ले रही हूँ बेनिफिट का। जब भी आप प्राइमर यूज करते हो आपको उसको हल्का सा वार्म करना होता है इस तरीके। सबसे पहले मैं अपने इस एरिया में लगाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे हल्के हल्के एक्टिव पोर्स हैं, तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का इसको मसाज करती हूँ। ये मत सोचना कि यार मेरे पोर्स नहीं है तो मैं प्राइमर नहीं खरीदूंगी। कई लोग कहते हैं कि हमारे ना नोज से मेकअप हट जाता है, अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो आपको प्राइमर को हल्का सा नोज पे भी मसाज करना होता है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये स्टेप मत भूला करो यार, ये तो बहुत जरूरी है। सो गाइज, यहाँ पे मेरा सीटीएम पूरा हो गया, प्राइमर लगा लिया और मैंने लेंसेज भी लगा लिए हैं। जो लेंसेज मैंने भी लगाए हैं ना, वो एक्वा कलर के फ्रॉस्टी ब्लू है। इनके काफी सारे शेड्स और आते हैं, जैसे कि डस्की ब्राउन हो गया, या फिर आपको ग्रे में जाना है ले सकते हो, तो इसका भी मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से बाय कर सकते हो। सो गाइस, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे जो है मैं एक हाई कवरेज कंसीलर यूज करने वाली हूँ, जो कि है हुडा ब्यूटी का। हुडा ब्यूटी में मेरा शेड है ग्रेनोला और ये काफी हाई कवरेज है, मेरे को बहुत ही ज्यादा सूट करता है। मतलब जब मुझे नो मेकअप करना होता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कंसीलर लगा के भी अपना मेकअप कर लेती हूँ। तो अगर आपके बजट में है तो आप ये जरूर से खरीदना। तो गाइस, जब भी आपको अपना कंसीलर लगाना होता है, सिर्फ प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं उनको करोगे कवर। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़े से मच्छरों ने खा लिया है, तो उसके कुछ कुछ निशान है, मैं उनको हाइड कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरे नोज पे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे पिगमेंटेशन है। माउथ एरिया पे काफी लोग कहते हैं कि मेकअप के बाद जो है हमारा जो एरिया है वो ग्रे पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे डार्कनेस होती है, लेकिन लोग यहाँ पे कंसीलर से उसको हाइड नहीं करते हैं। इसको लगाने के बाद काफी लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी से अपना ये ब्लेंडर उठाते हैं, ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं यूजुअली 15 से 20 सेकंड देती हूँ एंड उसके बाद ही इसकी ब्लेंडिंग करती हूँ। ऑल्सो जो ब्लेंडर है ये बिल्कुल भी ऐसे करने पे पानी नहीं निकल रहा, लेकिन मेरे हाथ पे पता चल रहा है कि थोड़ा सा ये वेट, थोड़ा सा डैम्प है। अगर मैं इसको ड्राई से ब्लेंड करूंगी सारा प्रोडक्ट हट जाएगा। जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये है आई मैजिक की ब्लेंडर। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैम है तो ड्राई स्किन क्यों, क्या
क्या मैं इतने ज्यादा प्रोडक्ट लगा सकती हूँ, यहीं पे आपका सीटीएम जो है वो पता चलता है। अगर आपने सीटीएम अच्छा कर रखा है ना तो आपका मेकअप बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। सो गाइस, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फाउंडेशन यूज करना। अगर आप ड्राई स्किन के हो और आप एक ऐसा फाउंडेशन यूज कर रहे हो जो ऑयली स्किन वालों के लिए बना है, जो मैट फिनिश देता है, तो आपके काफी चांसेस होते हैं कि आपका जो मेकअप है वो ड्राई हो सकता है। जिन भी फाउंडेशन के आगे लिखा होता है कि वो फाउंडेशन हाइड्रेटिंग है, ल्यूमिनस है, HD ग्लो आने वाला है, आप लोग उनमें ही यूज इन्वेस्ट करना। जो फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ वो है शार्लेट टिलबरी का, काफी लाइट वेट है, मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैंने सिर्फ इतना ही फाउंडेशन लिया है। अपना कंसीलिंग अच्छे से कर रखी है तो आपको ज्यादा फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं होती। ब्रश से थोड़ा सा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, बट हमें जरूरत भी तो नहीं है ना ज्यादा फाउंडेशन की। ब्रश ने जो है वो ऑलमोस्ट 80% काम कर लिया है, लेकिन 80 नहीं, हमें पूरा चाहिए, तो यहाँ पे ब्लेंडर तो यूज होना ही पड़ेगा। अब मैं बहुत धीरे धीरे आराम से अपना पूरा जो फेस पे जो भी मैंने फाउंडेशन स्प्रेड किया था उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद ना मुझे अपने फेस को थोड़ा सा शार्प दिखाना है, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ फेंटी ब्यूटी का कॉन्टोर। चाहो तो लिक्विड भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो फॉरएवर 52 की पैलेट से निकाल सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस हैं। इस तरीके से मैं पाउड बना के यहाँ पे कट करूंगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई करने वाली हूँ। ऐसे कट करा, थोड़ा सा जो मेरा ये वाला एरिया है इसको मुझे कट करना रहता है, एंड थोड़ा सा नोज पे जो ये एरिया होता है इस तरीके से नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे जो मैंने अपना चीक बोन पे अप्लाई किया कॉन्टोर, उसको मैं पाउट बना के एंड देन ब्लेंड करूंगी। अगर आप ड्राई स्किन के होता है ना, जो क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करो, लिक्विड प्रोडक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करो। पाउडर प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन वालों को अगर ज्यादा लगा दिए जाए तो वो उनके फेस को और ज्यादा ड्राई कर देते हैं। अब आप देख सकते हो मेरी नोज काफी हद तक शार्प हो गई है। अगर मैं इस एरिया को और ज्यादा ब्लेंड कर दूंगी ना तो ये इतना ब्लेंड हो जाएगा कि कॉन्टोर का जो हमारा काम है वो हो ही नहीं पाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा कितना ज्यादा शाइन मार रहा है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। अगर इस पॉइंट पे आपको लगता है कि आपका फेस जो है वो ड्राइनेस पे जा रहा है तो आप एक चीज कर सकते हो, अपना एक सेटिंग स्प्रे यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब मैं इस मेकअप को ट्रांसफर प्रूफ बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहे। यहाँ पे मैं अपने पाउडर से पूरे फेस को लॉक करने वाली हूँ। जो लूज पाउडर मैं यूज कर रही हूँ वो चामसी मिलानो का है, आप भी यूज कर सकते हो, आप हुडा यूज कर सकते हो, अगर आपका बजट लॉरा मर्सर का है वो भी यूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, हम इंस्टाग्राम पे लोगों को वीडियोस देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा पाउडर लेते हैं, भर देते हैं। यार उनका स्किन प्रेप आपको नहीं पता, उनका स्किन टाइप आपको नहीं पता। अगर आप ड्राई स्किन की हो तो आप वैसे ही करोगे जैसा मैं आपको भी बताने वाली हूँ। अगर आपके यहाँ पे क्रीज लाइंस वगैरह आती हैं तो आपको क्रीज लाइन को क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको अपना पाउडर यूज करना पड़ेगा। मैं सेम ब्लेंडर ले रही हूँ, थोड़ा सा वो डैम्प है, ऊपर देखते देखते मैं इस तरीके से पूरा एरिया जो वो क्लीन करने वाली हूँ। अगर आपके लाफ लाइंस आती है तो आपको लाफ लाइंस भी अच्छे से क्लीन करनी है लाइक दिस। इसके बाद जो है आपको अपना पाउडर लेना है, पिज्जा पफ लेना है, उसको हल्का सा आपने इसमें प्रोडक्ट लिया, आपको उसको हल्का सा हाथ पे इस तरीके से निकालना है, जहां पे आपने अभी जैसे वो क्लीनिंग करा है आपने हल्का सा इस तरीके से उसको लगाना है। अब इससे क्या हुआ ना, आपका जो बेस था वो एकदम गीला सा था और पाउडर आके उस पर हल्का सा सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा पाउडर पफ वो लूंगी, इसके बाद मैं सारा के सारा प्रोडक्ट इस तरीके से अप्लाई करने लग जाऊंगी। हमारा मेकअप बिल्कुल केक ही नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा है, सब कुछ एकदम मैचिंग में चल रहा है। और अब मैं जितना भी मेरा एक्सेस पाउडर है ना, इसको एक फ्लफी ब्रश से पूरा डस्ट ऑफ करने वाली हूँ। हल्के हल्के हाथों से आपने जो जितना भी एक्सेस पाउडर है ना, सारा के सारा रिमूव कर देना है। सो गाइज, यहाँ तक मेरा पाउडर सेटिंग हो चुका है। अगर आपको इस पॉइंट पे लग रहा है कि मेरा फेस ड्राई हो रहा है तो रुको जरा, सबर करो, आपने जस्ट अभी पाउडर सेटिंग किया ही है। चाहे ऑयली हो, ड्राई, नॉर्मल कोई भी स्किन हो, जस्ट जब आप पाउडर सेटिंग करते हो थोड़ा सा लगने लगेगा कि यार पाउडर हो गया, उसको थोड़ा सा वेट करो, वो अपने आप सेटल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा ना बिल्कुल भी फेस में डायमेंशन क्रिएट नहीं हो रहे। अगर आप मेरी पहले वाली फोटो नोटिस करो, पहले वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा टैनिंग था, तो नेचुरल फेस लग रहा था, अब पूरा के पूरा व्हाइट लग रहा है। उसको वापस से नेचुरल करने के लिए है मैं ब्रॉन्जर यूज करने वाली हूँ। ये आई मैजिक का ब्रॉन्जर है, आप यूज कर सकते हो। इसमें से आप देखो चार शेड्स होते हैं, तो चारों में से मैं वो शेड यूज करूंगी जो मेरे टैनिंग के ज्यादा नियर बाय था। मैंने इन दोनों को मिक्स करना है, मैं वहां अप्लाई करूंगी जहां पे मेरे को नेचुरली टैन हो रखी हूं मैं। तो सबसे पहले जहां पे मैंने अपना कॉन्टोर किया था जगह पे जाके अपना ब्रॉन्जर अप्लाई करूंगी इस तरीके से। जहां पे आपको एक्चुअल टैन था पहले आप वहीं अप्लाई करो, जैसे मेरे यहाँ पे था टैनिंग से थी तो मैंने इसको फिर से वहीं पे अप्लाई कर देना है। सिमिलरली मेरे को थोड़ा सा फॉरहेड पे एकदम ही व्हाइट सा हो गया है, थोड़ा सा नेचुरल फिनिश करने के लिए ब्रॉन्जर वहां पे भी अप्लाई करूंगी। आई थिंक यहाँ तक मेरा नेचुरल लग रहा है, तो इतना ही मैं अपना ब्रॉन्जर अप्लाई करती हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे ब्लश की। अगर आप नोटिस करो तो इस टाइम पे जो मेरा आउटफिट है, क्या वो बहुत ही बेबी पिंक कलर या फिर डार्क पिंक कलर का ब्लश अप्लाई करना बनता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो आपको मेकअप के टाइम ना वाइब देखनी होती है कि आपको किस तरीके का मेकअप करना है।
तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, जो ब्लश अप्लाई करूंगी वो नाक के बराबर करूंगी एंड कुछ ऐसा यूज करूंगी थोड़ा सा ब्राउन टोन में हो। तो ये वाला जो ब्लश है मैं ये अप्लाई करूंगी और बहुत लाइटली करूंगी। ब्लश हमेशा स्माइल करते टाइम पीछे की तरह इस तरीके से आप अप्लाई करते हो। बस मुझे एक टिंट चाहिए था मेरे फेस पे, वो टिंट मुझे मिल चुका है। सो गाइस, इस मेकअप को खत्म करने के लिए ड्राई स्किन वालों को होता है कि भैया हमारा तो बेस चमकना चाहिए, राइट, अच्छा सा हाइलाइटर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप चाहो तो होजो यूज कर सकते हो, मैक यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ डियोर का, थोड़ा सा ब्राउनिश टिंट ही यूज करने वाली हूँ। यूजुअली जो होता है हाइलाइटर आपके हाई एंड्स पे लगता है, हाई एंड्स मतलब कि ये वाला जो एरिया है आपका यहाँ, और आप देखो लगते ही कितनी मस्त शाइन आ गई है। देखा, हाइलाइटर ही ऐसी चीज है यार कि मजा, मुझे तो हाइलाइटर काफी अच्छा लगता है लगाना। देखो जरा कितनी ज्यादा शाइन आ रही है ना। अपने नोज पे लगाने के बाद यहाँ पे मैं अपने चिन पे लगाऊंगी, थोड़ा सा इस साइड लगाऊंगी एंड देन अपने फोरहेड पे। तो ये हमारा टी जोन होता है, हमें अपना टी जोन भी कवर करना होता है, अपना नोज वाला एरिया, चिन, अपर लिप एंड देन यहाँ पे ये जो वी बनाती हूँ मैं, तो ये वी बहुत पसंद है, पूरा ऐसे स्नैची सा लुक आता है। तो गाइज ये हमारा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा जरूर बताना। सारे प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया, आप जाके क्लिक करो और बाय कर लेना। ये वीडियो सबके साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।